वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल एजुकेशन गाइडर्स। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है, कैसे फैलता है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से हम इससे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक फंगस, इसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ व्हाई कॉल्ड ब्लैक फंगस। देखिए इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा है ब्लैक फंगस डिजीज़ इज़ फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है। आगे लिखा ऑल्सो कॉल्ड बाई म्यूकोरमाइकोसिस, इट्स अ टाइप ऑफ फंगस म्यूकोरमाइकोसिस इज फंगल इन्फेक्शन बिलोंग टू म्यूकोरेल्स फंगल फैमिली। ये जो इन्फेक्शन है वो किससे बिलोंग करता है, जो म्यूकोरेल फंगल फैमिली वहाँ से बिलोंग करता है। इफ़ योर स्किन इज इन्फेक्टेड एंड एनी वाउंड गेट्स इन्फेक्टेड देन द एरिया स्टार्ट टर्निंग ब्लैक। सबसे बड़ा रीज़न इसको ब्लैक फंगस बोलने का यही है कि अगर आपका बॉडी इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है तो आपका वो जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपको ब्लैक फंगस होता है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाता है और इसी वजह से हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। और आपके सामने यहाँ पर जो डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया इन्फेक्टेड है वो धीरे धीरे ब्लैक कन्वर्ट होता जा रहा है। पहले रेड होगा लेकिन बाद में वो ब्लैक में कन्वर्ट होता जाता है, इसीलिए हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका म्यूकोरमाइकोसिस है क्योंकि ये म्यूकोरल्स जो फंगल फैमिली है उससे बिलोंग करती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन। देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन में सबसे फर्स्ट लिखा है बाय एयर, सबसे पहले ही हमको एयर के थ्रू हो सकती है। व्हेन यू ब्रीथ देयर आर न्यूमरस स्पोर्स ऑफ द फंगस इन द एयर, दे कैन एंटर योर लंग्स एंड इन्फेक्ट यू। देखिए फंगस जो भी होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे उसका बॉडी जो है ना उसमें फंगल हाइपी होते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी फंगल बॉडी जो होता है ना उसमें रूट स्टेम लीफ इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, उसका एक हाइफी होता है यानी उसमें धागे होते हैं और ऊपर की तरफ उसमें यहाँ पर जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर बहुत सारे दाने बनते हैं, स्पोर बनते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं ये जब फटते हैं, मतलब ये जो फटता है तो इसका जो स्पोर होता है ना वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ नए फंगल हाइपी बना देता है, यानी जहाँ यह स्पोर पहुँचेंगे वहाँ पर नया फंगल स्ट्रेन जो है वो बन जाएगा। तो इसमें यही लिखा है कि जब आप ब्रीथ करते हैं और आपके ब्रीथ के थ्रू आपके सांस के थ्रू जो फंगल के स्पोर्स होते हैं वो आपके लंग्स में एंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से आपके लंग्स को इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहला इसमें तरीका बताया बाय एयर हो सकता है, सेकंड यहाँ पर लिखा बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है अनियन के ऊपर, ये कंडीशन हमने बहुत बार घरों में देखी होगी कि प्याज के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडर होता है जैसे, ठीक है। ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के अंदर दिखाया हुआ है, यहाँ पर और भी आप देख सकते हो कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारे घर में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं उन पर कई बार हम देखते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक कलर का पाउडर जैसा कुछ होता है, वो रियल में ब्लैक फंगस होता है। तो अगर हम ऐसे फ्रूट्स या ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं तो हमको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। आगे देखिए इसमें लिखा मोस्टली इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट, ज़्यादातर इससे कौन से बॉडी पार्ट इन्फेक्ट होता है, तो यहाँ पर लिखा माउथ एंड नेजल ब्रिज। सबसे ज़्यादा आपका माउथ और आपका जो नेजल ब्रिज है यानी आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नेजल चैम्बर वगैरह, वो सब आपका इससे इन्फेक्ट हो सकता है। आपकी आइस यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकती है, ब्रेन पार्ट हो सकता है और लंग्स, क्योंकि लंग्स के थ्रू हम रेस्पायर करते हैं तो शायद रेस्पायर के थ्रू एयर के थ्रू वो स्पोर्स हमारी लंग्स में चले जाए तो उस तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा इट इज़ नॉट दैट द फंगस इज ऑलरेडी ब्लैक कलर्ड, इट इज़ सिम्टम्स फॉर इन्फेक्टेड एरिया स्टार्टिंग लुकिंग ब्लैक इज़ द रीज़न वाई दिस फंगस कॉल्ड ब्लैक फंगस। अब यहाँ पर लिखा है कि ये फंगस जो है वो आपको लगते ही ब्लैक कलर का नहीं दिखेगा लेकिन बाद में आपका वो जो एरिया होता है वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। फ्रॉम हियर दिस इन्फेक्शन स्प्रेड टू आइज एंड ब्रेन, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, हेडेक, सीजर्स एज वेल एज। यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे ही आपको ये इन्फेक्शन आपकी आइज में पहुँचता है, ब्रेन में पहुँचता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको मेंटल प्रॉब्लम हो, ब्रेन में जाने के बाद में आपको ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है, ठीक है, हेडेक्स हो सकते हैं, सरदर्द वगैरह ये सब। आगे देखिए क्या लिखा है, नेजल चैम्बर एंड माउथ एरिया इज़ कॉमन एरिया फॉर म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन हैपन्स। नेजल चैम्बर
और जो माउथ एरिया होता है वो सबसे कॉमन एरिया होता है म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन के लिए। व्हेन ब्लड फ्लो इज रेस्ट्रिक्टेड हियर देन स्किन गेट्स डिसकलर्ड एंड ऑफन इनटू अ ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर होने का रीज़न क्या है कि जैसे इसका इन्फेक्शन होता है ना तो ये आपके ब्लड वेसल्स और आर्टरीज को ये ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई उस एरिया में नहीं पहुँच पाती है। जब आपको ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो वो एरिया जो है ना उसमें रेडनेस कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो एरिया है वो आपका ब्लैक होता हुआ दिखेगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें ये भी लिखा है लूजिंग आई साइट, इसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, ये आपके ब्रेन पर अटैक कर सकता है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन बाय एयर व्हेन यू ब्रीथ देन फंगस एंटर योर लंग्स। ज़्यादातर इसका इन्फेक्शन बाय एयर ही होता है, जब आप ब्रीथ करते हो तो इसका इन्फेक्शन आपके लंग्स में आ जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है एवरेज टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शन शोइंग सिम्टम्स डिपेंड ऑन बॉडी पार्ट्स बट एवरेज प्रोग्रेशन टाइमिंग इज लेस देन 1 वीक। ज़्यादातर आपके बॉडी पार्ट्स पे, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि इसके सिम्टम्स आपको कब तक दिखते हैं। ठीक है, लेकिन यही देखा गया अब तक कि 1 वीक के अंदर अंदर आपको इसके सिम्टम्स जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सिम्टम्स दिखाए हैं मैंने, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिम्टम्स में आप देखोगे देखिए आप क्या दिख रहे हो यहाँ पर आइस में आपको कंडीशन दिख रही है, रेडनेस दिख रही है आपको, पेन हो सकता है आइस और नोज के अराउंड, उसके अलावा फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफिंग हो सकती है। ठीक है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है और आपको ब्लडी वोमिट हो सकते हैं, खून की उल्टियाँ। उसके अलावा आपकी मेंटल स्टेटस जो है वो भी अल्टर हो सकता है, यानी आपको मेंटली भी दिक्कत हो सकती है इसमें। आगे लिखा है सिम्टम्स डिपेंड ऑफ बॉडी पार्ट्स देन इन्फेक्शन इफेक्ट साइनस एरिया देन टूथ एक ब्लरी विजन हेडेक एंड नेजल कंजेशन ब्लैक लीजन्स और नेजल ब्रिज फीवर ऑल्सो। यहाँ पर बोला है कि सिम्टम्स भी आपके बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं, आपको टूथ एक मतलब दांतों में भी तकलीफ हो सकती है आपको, आपको ब्लरी विजन हो सकता है मतलब साफ ना दिखना। ठीक है, हेडेक हो सकता है, नेजल कंजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और आपका नेजल ब्रिज जो है उसमें से भी आपको ब्लैक जो कलर का लिक्विड जो है वो बाहर आ सकता है, यानी आपका नेजल ब्रिज अगर इससे इफेक्ट होता है तो हो सकता है आपका वहाँ से म्यूकस जो है वो ब्लैक कलर का बाहर निकले। तो और भी इसके सिम्टम्स इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये सिम्टम्स है जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, तो डू नॉट डिले इमीडिएटली विजिट हॉस्पिटल। जैसे ही आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं आप बिल्कुल डिले मत कीजिए, सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए। उसके अलावा इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आई की प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, आप पैथोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, न्यूरोसर्जन के पास में, जैसा जैसा आपको फंगस का इन्फेक्शन है, जिस तरीके का आपको इन्फेक्शन दिख रहा है अपने बॉडी पार्ट्स में, उस हिसाब से आप डॉक्टर्स को कंसर्न कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें टेस्ट दिए हैं कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट लिखा है नेजल एंडोस्कोपी विद बायोप्सी और कॉन्ट्रास्ट इनहेंस्ड एमआरआई की जाती है, जिससे आपकी बॉडी में पता चलता है कि इस फंगस के स्पोर्स है या नहीं। उसके अलावा नेजल एंडोस्कोपी की जाती है क्योंकि इसका ज़्यादातर इफेक्ट आपके नेजल चैम्बर पे आता है, तो आपके नेजल चैम्बर के जो लिक्विड होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है कि उन लिक्विड में आपका फंगस है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा कोविड डेथ रेशियो ओनली 10% बट म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट इन इंडिया एंड म्यूकोरमाइकोसिस रेशियो ऑफ डेथ इज 50%। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, कोविड के पेशेंट जो है इंडिया में 10% है, लेकिन जब कोविड के पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो वो रेशियो बढ़ जाता है और फिर वो जो डेथ है वो 50% हो जाती है। और ये भी देखा गया कि ज़्यादातर ये जो दिक्कत है ना ये आपको कोविड के पेशेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि कोविड के पेशेंट की पहले से इम्यूनिटी वीक होती है और कोविड का इन्फेक्शन जो है वो भी लंग्स और नेजल एरिया इन्हीं को इफेक्ट करता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर आपको म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। तो कोविड का रेशियो 10% है, लेकिन जब म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो इसका रेशियो 50% तक इंक्रीज हो जाता है। राजस्थान और तेलंगाना में ये जो चीज़ है वो एपिडेमिक डिजीज़ इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की डेथ हो रही है उससे भी ज़्यादा डेथ इसकी वजह से हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर हमने इसको एपिडेमिक यानी महामारी इसको बना दिया गया है। आगे देखिए ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो देखिए इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन जो भी होती है फंगल को रोकने के लिए, फंगल की ग्रोथ रोकने के लिए फंगाई की, वो सब आप ले सकते हैं। बट टुडे इन आवर कंट्री एंटी फंगल मेडिसिन शॉर्टेज, लेकिन अभी हमारी कंट्री में एंटी फंगल जो बीमारियों की दवाएं हैं उनकी कमी है,
कंट्रोल शुगर लेवल, आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हमारी कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है या आपकी बॉडी का शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो आपको कोई भी घाव जो होता है, कोई भी घाव होता है उसको ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और ब्लैक फंगस में यही होता है कि आपकी बॉडी पे घाव बनते तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं हो पाते। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत आती है। उसके अलावा देखो, स्टेरॉइड्स अपन को नहीं लेने, अवॉइड एक्सेसिव स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड लेने से भी इस पर बहुत वर्स इफेक्ट आता है म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट पे। लिपोसोमल एम्फोथेरेसिन बी इंजेक्शन, इसके ट्रीटमेंट में आपको, वैसे आपको इसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं लेकिन वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। लिपोसोमल एम्फोथेरेसिन बी इंजेक्शन भी इसके ट्रीटमेंट में यूज़ लिया जाता है। सर्जरी ऑफ इन्फेक्टेड एरिया एंड रिमूव टिश्यू, जो एरिया आपका इन्फेक्टेड होता है वहाँ की सर्जरी करके वहाँ पर जो टिश्यू होता है, जो सेल मास होता है, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर डिस्चार्ज 3 to 6 months, इसमें क्या होगा कि आपको डिस्चार्ज जो है वो 3 to 6 months के अंदर दे दिया जाएगा। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आर नॉट कंटाजियस लाइक COVID-19। ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है वो COVID-19 की तरह नहीं होता है। यूज़ ऑफ मास्क प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन, मास्क आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है। डोंट यूज़ स्टीम थेरेपी आपको यूज़ नहीं लेनी है। बॉडी मॉइस्चराइज लेवल अप एंड फंगल इन्फेक्शन चांसेस हाई बिकॉज मॉइस्चर इन्वायरमेंट गुड फॉर फंगल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर ये बोला आपको स्टीम थेरेपी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपका बॉडी जो है वो उस पर मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो फंगस इन्फेक्शन जल्दी होता है। ये आपको पता है, घरों में भी हमारे जो खाना या फूड या अचार जो भी ख़राब होता है, जैसे अचार के ऊपर वाइट फंगस आ जाता है, वाइट कलर के फंगस आते हैं, तो वो क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर होता है, नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से फंगस को ग्रोथ करने में आसानी मिलती है। तो आपको भी अपनी बॉडी के ऊपर मॉइस्चर नहीं रखना, तो स्टीम थेरेपी इसके लिए यूज़फुल नहीं है। लास्ट हमको क्या है इसमें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू और डोंट। देखो क्या करना है आपको, कंट्रोल करना है अपने शुगर लेवल को, ठीक है। इन्वायरमेंट को आपको हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई रखनी है। स्टेरॉइड्स जो है वो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही लेने हैं, वरना नहीं लेने, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। क्या नहीं करना है, डोंट यूज़ एक्सेसिव स्टीम थेरेपी फॉर कोविड पेशेंट। अगर कोई कोविड का पेशेंट है फिर भी उस पर ज़्यादा स्टीम थेरेपी नहीं देनी है उसको, क्योंकि अगर उसकी बॉडी पर नमी रहेगी तो हो सकता है कि वो उसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाए। डोंट यूज़ ऑफ एनी अदर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स, कोई भी ऐसा ड्रग आपको या दवाई नहीं लेनी है जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग का मतलब होता है जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, वीक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और ऐसा आपको तब दिया जाता है जब आपकी बॉडी में जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है या आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है, तो उस टाइम पे आपके इम्यून सिस्टम को वीक किया जाता है ताकि जो नया ऑर्गन आपकी बॉडी में आया है उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करे, उसको मारे नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ड्रग्स आपको नहीं लेने, क्योंकि इससे आपको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।